मेरे पति पे दबाव बनाया है कि इनके खिलाफ बोलिए तब हम आपको टिकट देंगे। तो ये है उनकी लड़ाई, तो शर्म आनी चाहिए। अजय जी, अंगद जी का टिकट काट दिया कांग्रेस ने, इसके बारे में क्या कहेंगे? एक तरफ प्रियंका जी नारा देती हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, मैं लड़की हूँ लड़ रही हूँ, और इतनी छोटी हरकत करके, इतनी बुरी हरकत करके मेरे पति पे बहुत दबाव बनाया गया कि आप अपनी वाइफ के खिलाफ बोलिए तो हम आपको टिकट देंगे। तो हमको नहीं समझ में आ रहा कि ये जो दोगली राजनीति वो करती हैं, अगर वो लड़कियों का इतना सम्मान करती हैं, सपोर्ट करती हैं, तो क्यों मेरे पति की टिकट काटती, क्यों बार बार मुझे प्रताड़ित और परेशान करने का प्रयास करती हैं? क्या मेरी जनता ये सब देख नहीं रही है? एक अकेली लड़की लड़ रही है। पिछले 5 साल के बारे में आपने पूछा था, मैं बता दूं, पिछले 5 साल पहले मेरे पिताजी मेरा हाथ पकड़ के मुझे यहाँ लाए थे इस प्रांगण में, आज वो नहीं है। अकेले लड़ रही हूँ, अपनी जनता के भरोसे लड़ रही हूँ, प्रचंड बहुमत से जीत के आऊँगी। जो लोग लड़कियाँ लड़कियों लड़ सकती हूँ का नारा देते हैं, वो सबसे पहले अपने घर की लड़कियों को सुरक्षित रखें, उनको प्रताड़ित करना बंद करें। मेरे पति की टिकट उन्होंने काट दी, कोई औचित्य नहीं है। बहुत से ऐसे हस्बैंड और वाइफ रहे हैं, परिवार के सदस्य हैं, जो अलग अलग पार्टी में रहे हैं। क्या मतलब, अगर वो लड़कियों के स्वाभिमान को मानती हैं, उनके विवेक को मानती हैं, तो क्या लड़कियों की अपनी विचारधारा नहीं हो सकती? मेरी विचारधारा कांग्रेस से नहीं मिलती, अंगद जी की मिलती थी। तो क्या हम इतने दबे कुचले हैं कि बस अपने पतियों के पीछे पीछे चलें? क्या उनका ये कहने का तात्पर्य है? पूरी तरीके से दोगली पॉलिटिक्स है उनकी, पूरी तरीके से। यदि उतना उनको महिला सशक्तिकरण का पड़ा होता तो उन्होंने पंजाब में या मणिपुर में या उत्तराखंड में या गोवा में इतनी कम महिलाओं को क्यों टिकटें दी हैं? यहाँ उनको पता है उनकी दाल निगलनी है तो बस 40% बांटे जा रही हैं। मेरे पति पे दबाव बनाया है कि इनके खिलाफ बोलिए तब हम आपको टिकट देंगे। तो ये है उनकी लड़ाई, तो शर्म आनी चाहिए। अजय जी, अंगद जी का टिकट काट दिया कांग्रेस ने, इसके बारे में क्या कहेंगे? एक तरफ प्रियंका जी नारा देती हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, मैं लड़की हूँ लड़ रही हूँ, और इतनी छोटी हरकत करके, इतनी बुरी हरकत करके मेरे पति पे बहुत दबाव बनाया गया कि आप अपनी वाइफ के खिलाफ बोलिए तो हम आपको टिकट देंगे। तो हमको नहीं समझ में आ रहा कि ये जो दोगली राजनीति वो करती हैं, अगर वो लड़कियों का इतना सम्मान करती हैं, सपोर्ट करती हैं, तो क्यों मेरे पति की टिकट काटती, क्यों बार बार मुझे प्रताड़ित और परेशान करने का प्रयास करती हैं? क्या मेरी जनता ये सब देख नहीं रही है? एक अकेली लड़की लड़ रही है। पिछले 5 साल के बारे में आपने पूछा था, मैं बता दूं, पिछले 5 साल पहले मेरे पिताजी मेरा हाथ पकड़ के मुझे यहाँ लाए थे इस प्रांगण में, आज वो नहीं है। अकेले लड़ रही हूँ, अपनी जनता के भरोसे लड़ रही हूँ, प्रचंड बहुमत से जीत के आऊँगी। जो लोग लड़कियाँ लड़कियों लड़ सकती हूँ का नारा देते हैं, वो सबसे पहले अपने घर की लड़कियों को सुरक्षित रखें, उनको प्रताड़ित करना बंद करें। मेरे पति की टिकट उन्होंने काट दी, कोई औचित्य नहीं है। बहुत से ऐसे हस्बैंड और वाइफ रहे हैं, परिवार के सदस्य हैं, जो अलग अलग पार्टी में रहे हैं। क्या मतलब, अगर वो लड़कियों के स्वाभिमान को मानती हैं, उनके विवेक को मानती हैं, तो क्या लड़कियों की अपनी विचारधारा नहीं हो सकती? मेरी विचारधारा कांग्रेस से नहीं मिलती, अंगद जी की मिलती थी। तो क्या हम इतने दबे कुचले हैं कि बस अपने पतियों के पीछे पीछे चलें? क्या उनका ये कहने का तात्पर्य है? पूरी तरीके से दोगली पॉलिटिक्स है उनकी, पूरी तरीके से। यदि उतना उनको महिला सशक्तिकरण का पड़ा होता तो उन्होंने पंजाब में या मणिपुर में या उत्तराखंड में या गोवा में इतनी कम महिलाओं को क्यों टिकटें दी हैं? यहाँ उनको पता है उनकी दाल निगलनी है तो बस 40% बांटे जा रही हैं। मेरे पति पे दबाव बनाया है कि इनके खिलाफ बोलिए तब हम आपको टिकट देंगे। तो ये है उनकी लड़ाई, तो शर्म आनी चाहिए। मेरे पति पे दबाव बनाया है कि इनके खिलाफ बोलिए तब हम आपको टिकट देंगे। तो ये है उनकी लड़ाई, तो शर्म आनी चाहिए।